हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आपने ऐड करना है फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। जैसे न्यूमरेटर ये होता है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होते हैं, तो इनका डिफरेंट है ना। देखिए ये 5 है, ये 20 है। ओके, सेम तब होते जब इधर भी 5 है, इधर भी 5 होता, तो वो डिनोमिनेटर सेम होने थे, लेकिन ये दोनों के डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। छोटे से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सिंपल फ्रैक्शन को बताती हूँ कैसे आपने ऐड करना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये समझ लें कि ये कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, 5 और 20 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। अगर सेम होते तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे 1/5 है, इधर 3/5 होता, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना था, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिख लेना था, और इस तरह ये प्लस हो जाने थे। ठीक है, 3 1 प्लस कर देना था, 4/5 आ जाना था, लेकिन इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है 5 और 20 का। तो देखिए वो कैसे लेना है, 5, 20 लिख लिया, अब एलसीएम लें। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों में से अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 2 लेंगे, तो हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है ना। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 का 5 वैसे लिख लें, 2 के टेबल में 2 आता है 1000 और 0 का 0। फिर इनमें से ये डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो यहाँ पे 2 ले लें, 5 का 5 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 10 आता है 5000। अब यहाँ पे 2 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 प्राइम नंबर अपने टेबल में आता, तो यहाँ पे 5 ही ले लेंगे, 5 1 5 और 1 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो एलसीएम होगा, इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20। तो 5 और 20 का एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 20। समझ आया, इन दोनों का एलसीएम 20 आ गया। अब क्या करेंगे, देखें इसका दो तरीके मैं बताऊँगी आपको, जो ईजी लगे आप उसको फॉलो कर लें। एक तो ये कि नीचे वाले को नीचे वाले से देखें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से देखें कि 5 के टेबल में 20 कितनी ज़ार आता है, 5 के टेबल में 20 आता है 4000। समझ आया, 5 के टेबल में 20 आता है 4000, माइंड में रखें कितनी ज़ार, 4000। 4 जो आया है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 ज़ार 4 आ गया, प्लस का प्लस। इसी तरह नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, 20 के टेबल में 20 आता है 1000, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। ठीक है, 3 का 3 आ जाएगा। समझ आया इस तरह। ठीक है, और एक ये भी है कि आप या ये कर लें या ये, ठीक है, कि क्या करें, 20 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो हमारे पास 20 ही है। ठीक है, अब आपने देखना है 5 के टेबल में 20 आता है कितनी ज़ार, 5 4 ज़ार, तो आपने क्या कर देना है, ऐसे एक मिनट पहले करें, ये देखें आप बताती हूँ, 5 के टेबल में 20 आता है 4000 ना, तो आपने क्या कर देना है, इधर 4 लिख देना, 1 पहले लिखा हुआ है ना इस तरह। ठीक है, प्लस का प्लस, 3 का 3, फिर 20 के टेबल में 20 आता है कितनी ज़्यादा, 1000, तो 1 यहाँ पे लिखते हैं। ओके, क्लियर हुआ, तो आंसर तो सेम यही आएगा। ठीक है, आप जिस तरह भी कर लें, सही है, तो इस तरह करना है। तो दोबारा बता देती हूँ, 5 के टेबल में 20 आता है 4000, तो 4 1 ज़ार 4 आ गया, प्लस 20 कितनी ज़्यादा, 20 होता है 1000, तो 1 3 ज़ार 3 आ गया, सही है। अब इन दोनों में से कुछ एक जो मर्जी आप पिक कर लें। अच्छा, 4 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, नीचे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 7/20 आ गया। ठीक है, इस तरह ये सॉल्व हुआ। एक और एग्जांपल लेती हूँ, देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, इसका भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, तो पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको माइंड में रखें, 5 4 ज़ार कितना होता है, 20, 20 को माइंड में रखें, 20 आ गया, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को उसमें ऐड कर दें, 5 4 ज़ार 20 20 में ऊपर वाला मतलब 2 ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा, 22, नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाना। ठीक है, इसी तरह अब आपको समझ आ गई ये, तो अब ये क्या होगा, इसमें 10 को 7 से करें मल्टीप्लाई, क्या आता है, 70 को माइंड में रख लिया, 10 7 ज़ार 70 70 में ऊपर वाला मतलब 1 ऐड कर दें, तो 71, और नीचे 10 का 10 आ जाना। ठीक है, तो आपने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, तो 5 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे जैसे हमने पहले लिया था। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, अगर इन दोनों में से एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 10 आता है 5000, 5 1 ज़ार और 1 ज़ार, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, तो हमारे पास 5 और 10 का एलसीएम 10 आ गया, यहाँ पे लिख लें 10। अब देखिए 5 के टेबल में 10 कितनी ज़ार आता है, 5 के टेबल में 10 आता है 2000, ठीक है, कितनी ज़ार आता है 2000, 2 को माइंड में रखें, 5 के टेबल में 10 2000 आता है, 2 को माइंड में रख लिया, अब 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 2 20 2000 क्या होता है, 44 होता है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए 10 के टेबल में 10 आता है कितनी ज़ार, 10
कितनी ज़्यादा होता है, 10, 10, 1 ज़ा 10 होता है, तो हमारे पास रखे माइंड में 1, ठीक है। तो क्या कर देना, 1 को पावर से मल्टीप्लाई कर देना, तो 171 ज़ा 71 ही होता है, समझ आ गया। 5 के टेबल में 10 आता है 2 ज़ा, 2 को मल्टीप्लाई कर देना 22 से, तो ये आ जाएगा। इसी तरह 10 के टेबल में 10 आता है 1 ज़ा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देना 71 ज़ा, तो 71 1 ज़ा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको सिंपली प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 7 में 4 प्लस करें 8 9 10 और 11 बाय 10, ठीक है। तो ये कटिंग होता है, ये हो जाएगा, सेम टेबल से कटिंग करना है, ठीक है। तो 5 से कटिंग कर देते हैं दोनों को, 5 के टेबल में 10 आता है 2 ज़ार, 5 के टेबल में 11 तो नहीं आता, ठीक है, 5 के टेबल में 11 ही आता है, 11 से छोटा 10 आता, तो आप इसे कट करके 10 बना लें, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 है ना, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, या आप इस तरह ही अपने माइंड में रखें, ठीक है, कि 115 है, हमने इसको कैसे कट करना है, 5 के टेबल में 11 नहीं आता, 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है 2 ज़ार, आप इसे कट करके 2 लिख लें, ये 11 था, लेकिन हमने सॉल्व किसको किया, अभी 10 को किया है, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 15, 5 के टेबल में 15 आ गया, 5 3 ज़ार, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 23 बाय 2। अब आपके पास यही आंसर होगा कि नहीं, नहीं होगा ये आंसर, क्योंकि हमारे पास पहले क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था, सिंपल फ्रैक्शन में था, तो हमने आंसर भी फ्रैक्शन में दे दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में था, तो आंसर भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में देना है, सिंपल फ्रैक्शन में नहीं देना। तो 23 बाय 2 को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 23 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 3 का 3 उतार लें, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 1 ज़ा 2 ही आता उससे छोटा, तो 3 में 2 कट करें 1। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह, ठीक है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को साइड पे लिख देना है, 11 को साइड पे लिख दिया, जो रिमाइंडर है उसको इधर लिख दें, और जो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिख दें, समझ आए। इस तरह आपने लिख देना है, तो आपने मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है, थोड़ा सा ये प्रीवियस क्वेश्चन से कम्प्लेक्स है। उसमें क्या था, उसमें भी मिक्स फ्रैक्शन था, लेकिन 2 टर्म्स थी, ठीक है, एक ये और एक ये, 2 फ्रैक्शंस थे। अब इसमें क्या आ गए हैं, 3 आ गई हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो अब आपको पता चल गया है कि मिक्स फ्रैक्शन को आपने कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, कैसे करना है। 7 3 ज़ा 21, 21 में 3 प्लस कर लें, 22 23 24 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया, प्लस का प्लस, 5 4 ज़ा 20 20 को माइंड में रखें, 20 माइंड में रख लिया, उसके बाद उसमें ऊपर वाला प्लस कर दें, तो 23 आ गया डिवाइडेड बाय 4 आ गया, प्लस का प्लस, 28 7 ज़ा कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 28 7 ज़ा 8 7 ज़ा 56 होता है, 6 इधर 5 कैरी, ठीक है, 7 2 ज़ा 14 15 16 17 18 19 19 आ गया, 196 होता है, 28 7 ज़ा 196 196 में 1 प्लस करें, 197, नीचे 28 का 28 ही आ गया। इतना क्लियर हुआ, हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास 2 फ्रैक्शन थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, उनका एलसीएम लिया था। अब 3 है तो तीनों का इकट्ठे एलसीएम लेंगे, 7 4 और 28 का। ये एलसीएम जब हम लेते हैं, ये डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड होता है। अच्छा, इसमें से अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ले लें, तो हम ले लेंगे 2, क्योंकि ये भी डिवाइड होता है और ये भी होता है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, इसको ऐसे लिख लें, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार, 2 के टेबल में 28 आता है 14 ज़ार, फिर 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, 2 के टेबल में 14 आता है 7 ज़ार। अब यहाँ पे 2 ले सकते हैं, नहीं, 2 के टेबल में तो 7 नहीं आता, 7 एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में भी नहीं आता, ये अपने टेबल में आता है, तो यहाँ पे 7 ही ले लेंगे, 7 1 ज़ार 7 और 1 ज़ार। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 2 2 ज़ा 4 4 8 7 ज़ा कितना होता है 28। तो 7 4 और 28 का एलसीएम 28 आ गया, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 28। इतना समझ आया। अब देखें, इन तीनों का एलसीएम 28 आ गया। अब देखें, 7 के टेबल में 28 आता है, 7 4 ज़ार कितनी ज़्यादा आता है, 7 4 ज़ार, माइंड में रखें, 7 4 ज़ार 28 होता है। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 24 से, तो देखें 24 को लिखें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 8 में 1 प्लस करें 9, तो क्या आ गया 96 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 4 के टेबल में 28 आता है 4 7 ज़ार 7 ज़ार आता है, माइंड में रख लिया, 4 कितनी ज़्यादा 28 होता है 7 ज़ार, 7 को मल्टीप्लाई कर देना 23 से, 23 7 ज़ार कितना होता है, 7 3 ज़ा 21, 1 इधर 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 प्लस करें 15 16, 161, 28 कितनी ज़्यादा 28 होता है, 28 1 ज़ार होता है, माइंड में रख लिया, 1 को 197 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 197 ही आ जाएगा। या इतना याद रख लें, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला भी नोमिनेटर भी मतलब सेम आ जाता है, यहाँ पे वैसे ही आ जाता है, ठीक है।
अब सबको प्लस कर लेंगे 96 में 161 और 197 तीनों को प्लस कर लेंगे यहाँ पे, ओके। अब प्लस कैसे करेंगे, 7 में 1 प्लस करें कितना होता है, या ऐसे कर लें, ये 7 है, 6 और 1 भी 7 होता है, 7 और 7 14 हो गया, 4 इधर 1 कैरी। 9 में 1 प्लस करें 10, 10 में 9 प्लस करें 19, 19 में 6 प्लस करें 25, 5 इधर 2 कैरी, 2 3 4 454 आ गया, नीचे 28 आ गया। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को कट करेगा, तो 2 तो करेगा ही ना, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक दफ़ा कट करें 2 से, फिर अगर कट होते हैं तो फर्दर भी कट कर देंगे हम। 2 के टेबल में 28 आता है, 2 1 ज़ार और 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, 2 2 ज़ार 4, और इसका 5 था, ये 4 को हमने भी सॉल्व किया, 1 इधर चला गया, 2 के टेबल में 14 आता है, 7 ज़ार। अब देखें, ये 2 2 7 आ गया, ये 14 आ गया, तो ये कट हो सकता है, तो ये कटिंग नहीं होगा अब, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये इवन नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों का कट कर दे, क्योंकि 2 से ये हो रहा है, ये नहीं होगा, 3 से ये हो जाएगा कि नहीं होगा, 7 8 9 10 11, नहीं, ये 3 से नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को कट कर दे। तो आप यहाँ पर लिखें 2 2 7 डिवाइडेड बाई 14, और अब हम लोगों ने इसको आंसर किस तरह लिखना है जैसे पहले लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमने आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है। आपने क्या कर देना है, 2 27 को अंदर रखना है, 14 से डिवाइड कर देना है, ठीक। तो ये डिवाइड होके कैसे आएगा, 14 को अगर 2 ज़ार करेंगे तो 28 बड़ा आ जाएगा, तो 14 1 ज़ार 14 ही सही है, ठीक है। माइनस करेंगे, 22 में से 14 निकालें तो क्या आता है, 15 16 17 18 19 20 21 22, 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, ये 7 उतारें, 14 को अगर हम लोग 6 ज़ार करें तो क्या आता है, 6 4 ज़ार 24, 4 इधर 2 कैरी, 6 1 ज़ार 6, 6 में 2 प्लस करें 8 84 आ रहा है, तो सही है, क्योंकि 7 ज़ार करेंगे बड़ा आ जाएगा, तो 84 ही सही है। 7 से 4 कट करें 3 आ जाएगा। अब इसको आपने लिखना कैसे है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना होता है, जो है क्वेश्चन है उसको इधर लिख दें, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख दें, और जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिख दें, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने अभी 3 क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया है कि फ्रैक्शंस को कैसे हमने सॉल्व करना है, कैसे ऐड करना है जब उसका डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट होगा। तो इन तीनों एग्जांपल्स में डिनोमिनेटर डिफरेंट था, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।